हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है काफ़ी फ्लफी है, और यहाँ पर स्क्वायरिश शेप हथेली की बनती हुई नज़र आ रही है। और आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह की स्क्वायरिश शेप है, काफ़ी मेहनती नेचर रहेगी इनकी। और जो फिंगर्स का साइज़ है, अगर आप यहाँ पर देखें तो फिंगर्स का साइज़ थोड़ा शॉर्ट है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जल्दबाज नेचर भी रहती है। इनकी फिंगर्स हथेली के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट होती हैं, ऐसे लोग ज़्यादा एनालिसिस करना पसंद नहीं करते और जल्दबाजी में भी कोई ना कोई काम शुरू कर सकते हैं, और जिसकी वजह से कई बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर फिंगर्स जो हैं थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही हैं हथेली के मुकाबले। तो चलिए थोड़ा क्लोजअप लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सीधी रेखाएँ फिंगर्स पर हैं, जो इनकी फ्रेंडली नेचर को शो करती हैं। काफ़ी डार्क और सीधी रेखाएं आप देख सकते हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी। और जो इनकी फिंगर्स में अपोलो है, अपोलो की लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है तर्जनी के मुकाबले, आर्टिस्टिक क्वालिटीज ज़्यादा रहेंगी इनके अंदर। तर्जनी थोड़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है, लीडरशिप क्वालिटीज़ में यहाँ पर कमी होती हुई नज़र आ रही है। और जो इनकी मध्यमा उंगली है, जिसको हम शनि की फिंगर भी कहते हैं, यह अच्छी और स्ट्रांग दिखाई दे रही है, मेहनती नेचर रहेगी। हथेली का साइज़ भी यहाँ पर काफ़ी हद तक स्क्वायरिश है, तो काफ़ी हार्ड वर्किंग रहेंगे ये। और यहाँ पर कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं फिंगर्स के बीच में, जो इनकी इंडिपेंडेंट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ के बारे में शो करती हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी। और जो इनकी मर्करी फिंगर है, फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने की वजह से यहाँ पर इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक लो सेट भी है यहाँ पर यह फिंगर, तो शाइनेस भी रहेगा, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेंगे, दोनों तरह की मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं सारे माउंट्स को और देखते हैं माउंट से हमें क्या क्या नज़र आता है। तो सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा फिंगर्स की सेटिंग चेक करने के लिए। जैसे मैं दिखा ही चुका हूँ, यहाँ पर जो इनकी फिंगर है मर्करी थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन आगे अगर देख सकते हैं आप, जो इनकी बृहस्पति फिंगर है वो भी थोड़ी सी लो सेट है। कुछ हद तक बृहस्पति की तरफ से मिलने वाली क्वालिटीज़ भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं, जैसे हमने देखा था कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी कमी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, वन बाई वन एक एक माउंट को चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और लाइंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस की लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रांग प्रोग्रेस की लाइन। तो लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहेगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने वाली है पार्शियल गुरु वल्या जैसी फॉर्मेशन, काफ़ी धार्मिक नेचर भी इनकी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ओवरऑल यहाँ पर बृहस्पति थोड़ा सा वीक हो रहा है, और जो प्रोग्रेस लाइन है यह इनको प्रोग्रेस दिलवाती रहेगी। और आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनकी शनि जो माउंट है थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा रहती है लाइफ में। ओवरऑल सैटर्न लाइन तो यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आगे चलकर देखा जाए तो ओल्ड एज में सैटर्न लाइन थोड़ी सी वीक हो रही, तो बहुत ज़्यादा देर यह काम नहीं करेंगे। ओल्ड एज में रिटायरमेंट के यहाँ पर चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। आगे देख रहे हैं सूर्य माउंट को, तो सूर्य माउंट यहाँ पर एवरेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सूर्य लाइन यहाँ पर मौजूद है, जो इनको ओल्ड एज में काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देगी, अच्छी रिकॉग्निशन देगी। तो यहाँ पर इस लाइन का होना ओल्ड एज में इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन, कुछ इस तरह की गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हाथ में बन रही है, जो इनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मूडी बनाएगी, साथ ही साथ इमोशनल बनाएगी।
यहाँ पर इमोशनल कहने का दूसरा भी कारण है, हार्ट लाइन से भी इनकी नेचर इमोशनल नजर आ रही है, और यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस होने से डबल इमोशनल जिसको हम कह सकते हैं व्यक्ति की नेचर हो जाती है। तो इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। सूर्य माउंट अदरवाइज एवरेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर रहने वाली हैं। मरकरी की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट के ऊपर तीन खड़ी रेखाएं मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह की मरकरी की लाइंस। अच्छा बिजनेस एक्यूमेन, अच्छी विजडम को शो करता है मरकरी माउंट, जो है थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाइनेस, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर इनके अच्छे नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी हार्ट की लाइन को, मेजर लाइन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन की में ऊपर की तरफ कुछ ऐसी ब्रांचेस होना यहाँ पर शो करता है कि काफ़ी रोमांटिक और फ्लर्टी नेचर इनकी रहेगी। और उसके बाद कुछ लाइंस का नीचे की तरफ यहाँ झुकना आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की लाइंस यहाँ नीचे की तरफ चलती हुई, जो इनको इमोशनल सेटबैक्स दिलवाएंगी लाइफ में कई बार, और जिसकी वजह से इनकी नेचर जो है ज़्यादा इमोशनल रहने वाली है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइन ऊपर की तरफ उठती हुई जो इनकी हार्ट की लाइन है, इसकी एक ब्रांच नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से चलती हुई, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से, दोनों लाइंस एक बाइफोर्क बना रही है, वी सिंबल जिसको हम कहते हैं विष्णु चिन्ह यहाँ पर इनके हाथ में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो विष्णु चिन्ह जिनके हाथ में होता है इनकी लाइफ में प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन साथ ही साथ जिनके भी हाथ में विष्णु चिन्ह बनता है इनको मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी हार्डशिप से घबराकर अनफेयर मीन्स को यूज़ ना करें, गलत वे से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिनके भी हाथ में ऐसा चिन्ह देखा गया है इनकी लाइफ में स्ट्रगल भी रहती है और प्रोग्रेस भी, और स्ट्रगल भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो स्ट्रगल की वजह से कई बार ऐसे लोग गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, तो जो इनके लिए नुकसानदायक रह सकता है। तो हमेशा फेयर मीन्स से यानी कि अच्छे तरीकों से ही पैसा कमाएं और अपने पैसों में से कुछ ना कुछ दान भी करें, तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं माइंड की लाइन को। हार्ट की लाइन से हमने देखा कि काफ़ी इमोशनल पर्सनैलिटी है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे इनके जो हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर एक अच्छा चिन्ह है, हार्ट की लाइन स्ट्रांग दिखाई दे रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं माइंड की लाइन, तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई, इनके आपने जो माइंड की लाइन है कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधी माइंड की लाइन, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, ज़्यादा इमेजिनेशंस नहीं है, रियलिस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी और बहुत सोच समझ कर काम करने वाले, क्योंकि हमने देखा था कि मरकरी बेशक थोड़ा सा लो सेट था लेकिन अच्छी सिचुएशन में, और ऐसे ही यहाँ पर माइंड की लाइन का बिल्कुल सीधा होना व्यक्ति को एक तरह से प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बनाता है। मिडल साइज की यहाँ पर माइंड की लाइन है, तो यहाँ पर ज़्यादा यह नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा एजुकेशन में ये जाएंगे, लेकिन इनकी जो नॉलेज होगी वो उत्तम होगी, काफ़ी अच्छी नॉलेज इन्होंने गेन की होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक लाइन जो है यहाँ पर मिडल एज में चलकर थोड़ा सा इनको डिस्टर्बेंस दे रही है, थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ चलती हुई स्ट्रेस लाइन है यहाँ पर कुछ इस तरह की, जिसकी वजह से 36 के आसपास की एज में मेंटल प्रेशर किसी तरह का रहा होगा इनके ऊपर, और अदरवाइज कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है इनके यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी फेट लाइन को, तो फेट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से चलती हुई, तो यहाँ से चलने वाली फेट लाइन इशारा करती है सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की तरफ। इनको जिनकी भी फेट लाइन लाइफ लाइन से निकलती है या बेस से निकलती है, ऐसे व्यक्ति अपनी दमखम पे, अपने दमखम पर ही कुछ ना कुछ बनते हैं लाइफ में, प्रोग्रेस अर्जित करते हैं, और ऐसा ही इनके हाथ में भी कुछ हो रहा है, क्योंकि जो फेट की लाइन है लाइफ लाइन से जुड़कर चल रही है। तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियरली शो हो रही है कि अपनी
कैपेबिलिटी के आधार पर इन्होंने प्रोग्रेस पाई है, और यहाँ पर किसी की भी सपोर्ट मुझे इनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ना तो फैमिली की सपोर्ट प्रोग्रेस में बेनिफिशियल रहती है, ना ही बाहरी सपोर्ट। अपनी एक तरह से काबिलियत के बल पर ही ऐसे लोग तरक्की करते हैं और पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की फेट लाइन इनके हाथ में नज़र आ रही है, और आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को, लाइफ लाइन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा साइज डिक्रीज करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन जो है इनकी काफ़ी स्ट्रांग है, और लगभग जो एज इनकी रहने वाली है 85 से 90 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। काफ़ी लंबी यहाँ पर लाइफ की लाइन मैं देख पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कुछ दोबारा से ड्रॉ करना चाहूँगा एक बार, जो लाइफ की लाइन है कुछ इस तरह की, यहाँ पर लगभग इस साइज़ की। फैमिली के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट, अंदर की तरफ चलने वाली लाइंस शो करती हैं एक तरह से एनर्जी और स्टैमिना को, काफ़ी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना रहेगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है इन लाइंस की वजह से, इनको मंगल की रेखाएं कहते हैं, और यहाँ पर दो रेखाएं इनकी लाइफ लाइन को काट रही हैं, जो दो अलग अलग एजिस में लगभग 30 और 35 के आसपास की एजिस में स्ट्रेस को शो कर रही हैं। उसके बाद एक लाइन का निकल कर यहाँ पर मून एरिया की तरफ चलना यहाँ से शो करता है फॉरेन सेटलमेंट को, विदेश में यात्राएं काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और विदेश में लॉन्ग टाइम स्टे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो इनकी अटैचमेंट है वो अपने परिवार से ज़्यादा रहेगी। तो हो सकता है फ्यूचर में आगे चलकर यह अपने कंट्री में वापस आकर भी बसने का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस यहाँ पर इनके लॉन्ग स्टे के हैं विदेश में। और लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी लाइंस काफ़ी क्लियर हैं। कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं बस, उनके अलावा यहाँ पर कोई भी मेजर दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका मून एरिया है, बहुत सारी लाइंस ऊपर की तरफ उठती हुई, मल्टीपल ट्रैवलिंग लाइंस हैं यहाँ पर, बहुत सारी ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ सकती है, इवन फॉरेन कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनके हाथ की रेखाएं सुजेस्ट करें बहुत ही अच्छी हेल्थ को, कोई भी मेजर हेल्थ इशू यहाँ पर इनको नहीं रहेगा, मेहनती नेचर को और सेल्फ मेड पर्सन जिसको हम कह सकते हैं, यह दिखाई दे रहे हैं इनके हैंड से। तो यह कुछ एनालिसिस इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि इनके हाथ को दोबारा से चेक करके इनके सवालों के जवाब टाइमली मैनर पर दे सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।